नंबर जो है 5 को हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसका क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉपर सबसेट पावर सेट ऑफ नंबर 1 सम है a इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब इसमें पावर सेट और सबसेट में कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं है। पावर सेट से मुराद ये, पावर सेट से मुराद ये है p, और सेट का जो भी अल्फाबेट के अंदर नाम होगा a होगा या b होगा या c होगा वो हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें नाम शो करेंगे और इसके हम सबसेट बनाएंगे। मगर पहले हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर ये सारे सबसेट जैसे हमने सबसेट बनाना सीखे हुए हैं वैसे के वैसे ही हम इसमें सबसेट बनाएंगे। हमें पता है कि इसके मेंबर हैं 1, 2, 3, यानी टोटल 3 मेंबर हैं, तो इसके हमें पता है कि 8 सबसेट बनेंगे। मगर हम इसमें लिखने का सिर्फ थोड़ा पैटर्न इसका है कि आप पहले सेट से लेके आखिरी सेट के दोनों जो है ये इसके बाहर आप साइड्स में मिडिल ब्रैकेट के अंदर इसे बंद कर देंगे। तो हमने लिखा पी, पी से मुराद पावर से इसका ए का जो अल्फाबेट का हमें मिला है, अगर ए होगा तो ए लिखेंगे, बी होगा तो बी इस जगह पर लिखेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर सारे इसमें सबसेट लिखेंगे और फिर मिडिल ब्रैकेट को एंड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर्स हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर 2 सम है बी इज इक्वल टू 1 सॉरी ए बी सी डी, तो हमें पता है कि इसमें 4 मेंबर्स हैं, तो इसके हम सबसेट जो बनेंगे 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी इसके सबसेट इसी पैटर्न के अंदर अब हम इसे लिखेंगे पी सबसेट बी सॉरी बी के नाम देंगे क्योंकि ऐसे बी का नाम है इधर, बी इज इक्वल टू तो बी इज इक्वल टू लिखेंगे, कोई और अल्फाबेट लिखे तो वो लिखेंगे, फिर इसी तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर हम इसी तरीके से इसके 16 सबसेट यानी 16 सबसेट बनाकर लिखेंगे। उसके बाद फिर नंबर 3 सम है सी इज इक्वल टू खाली सेट यानी एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट की सैंपल है, तो हमने लिखा पी पावर सेट जो उसका सेट का जो नाम दिया गया है वो सी इज इक्वल टू, अब पावर सेट जो है पावर सेट के अंदर जो है सबसेट हम लिखेंगे, खाली सेट का तो सिर्फ एक ही सेट बनेगा और वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम इसे, जैसे ये सैंपल है खाली सेट की तो क्वेश्चन के अंदर भी खाली सेट की सैंपल दी गई है इसलिए हम इसमें भी सैंपल ही रख देते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फाइंड अ सेट विच हैज ओनली 1 प्रॉपर सेट सबसेट, यानी ऐसा सेट कर ऐसी वैल्यू एनी सेट हैविंग ओनली 1 मेंबर इन इट इज अ सेट विच हैज ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, यानी ऐसा ऐसी वैल्यू सेट के अंदर जिसके पास सिर्फ एक मेंबर हो। अब एक मेंबर आप कोई भी सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 आप रख दें, या आप ऐसा करें b इज इक्वल टू आप इसमें a रख दें कोई मसला नहीं है, उसके बाद आप c इज इक्वल टू आप कोई भी अल्फाबेट y रख दें या d जो भी आप, यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो तो उसको हम ये कहते हैं फाइंड, यानी हम इस तरीके से हमने वजाहत करके लिखा है कि एनी सेट हैविंग ओनली 1 मेंबर इन इट इज अ सेट विच हैज ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, यानी वो सेट यही है a इज इक्वल टू 1 हम लिखें कोई सा भी डिजिट ले लें कोई सा भी आप अल्फाबेट उसके अंदर यूज कर सकते हैं यानी जिसका सिर्फ एक मेंबर हो। फाइंड अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट एट ऑल, यानी ऐसा सेट बताएं जिसका जो है वो कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, तो वो है नल सेट और एम्प्टी सेट यानी खाली सेट इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपनी मजीद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।